किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको लग रहा है कि वो बदल चुका है, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, तो समझ जाइए उस व्यक्ति का रस आप में से जा चुका है। वो व्यक्ति जो आपसे पाना चाहता था उसे वो मिल चुका है, चाहे मानसिक सुकून हो चाहे शारीरिक सुकून हो। अब आप जिस व्यक्ति को जैसा देख रहे हैं ना, एक्चुअल में वो वैसा ही है। उसने आपसे वो चीज पाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे अट्रैक्ट होने के लिए अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदल लिया था। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमें लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारी बहुत केयर करता है, हमें तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, और हम अपने जीवन की सारी बातें उस व्यक्ति को बता बैठते हैं इस उम्मीद से कि वह व्यक्ति तो अब मेरा ही है। जब उस व्यक्ति का रस आपसे चला जाता है, उस व्यक्ति को जब आपसे बेहतरीन व्यक्ति मिल जाता है और फिर आप कहते हैं कि वो व्यक्ति बदल गया है, वो बदला नहीं है, एक्चुअल में वो ऐसा ही है। उसने अपना स्वभाव सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए बदला था। इसलिए लोगों को अपने जीवन में अनुमति देने से पहले थोड़ा सा ठहर जाइए, देखिए क्या वो व्यक्ति वास्तव में वैसा है जैसा दिख रहा है। क्योंकि हम सब लोग बड़े परेशान है, अगर कोई हमसे प्यार की दो बातें कर लेता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि व्यक्ति अपना ही है। अगर व्यक्ति अपने विचार बदल रहा है आपके प्रति, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ पाना चाहता है, और जैसे ही उसे वो तमाम चीजें मिल जाएंगी वैसे ही वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या फिर उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से आपसे बहुत ज्यादा सुंदर होगा।